अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। और हम देख रहे हैं कि सियासी मामलात के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी शिद्दत देखी जा रही है, कहीं ना कहीं नारेबाजी हो रही है आवाम की तरफ से। तो कहीं आज जो एक अहम मामला सामने आया अफसोसनाक, कि मलीर का इलाका है गुलशन बुनैर, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कॉर्नर मीटिंग कर रहे थे, उस दौरान जो है वो फायरिंग, उनसे लोग भी ज़ख्मी हुए। इस हवाले से तमाम तफसीलात आप नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद साहब K21 न्यूज़ के सीनियर चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं। साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास, नाज़रीन तक पहुंचाएं। जी देखिए, आज गुलशन बुनेर में एक पीपल्स पार्टी की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, और उसके बाद उस कॉर्नर मीटिंग में सबका MLA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो शरीक थे, और उसके साथ साथ कुछ लोगों की शमूलियत भी होना उसके अंदर बाकी थी। इस सिलसिले में जब ये कॉर्नर मीटिंग रखी गई, तो वहां पर कॉर्नर मीटिंग खत्म होने के फौरी बाद जो है वो फायरिंग का सिलसिला हुआ और शुरू हो गया, और उसके बाद चार लोग जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचे, जिसमें से एक बाप बेटा और दो मजीद लोग शामिल हैं। जब तफसीलात ली गई तो पुलिस का कहना ये था कि हम भी वहां मौजूद थे। SHO का जब बयान आया, हमारा रब्ता हुआ, तो उनका कहना था कि हम भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन हमारी मौजूदगी में ये फायरिंग हुई, और पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग हुई। इसके बाद जब तहकीकाती इदारे और पुलिस ने मिलकर तहकीकात का आगाज किया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रफीउल्लाह, जिनके एजाज में कॉर्नर मीटिंग रखी गई थी, उनका फिर एक बयानिया सामने आया, और उनका कहना यह था कि जब मैं निकला तो मेरे कॉर्नर मीटिंग को सबोताज करने के लिए ये फायरिंग की गई, और फिर मैं अपनी गाड़ी के अंदर जो जख्मी लोग थे उनको लेकर जिना हॉस्पिटल पहुंचा। और इसी तनाजर में जब पुलिस का बयान है, तो SSP मलीर का भी ये कहना था कि गुलशन बुनेर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगा रफीउल्लाह की कॉर्नर मीटिंग के बाद फायरिंग हुई। फायरिंग से इब्तदाई तौर पर दो अफराद और बाद हजार चार अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। अच्छा, इब्तदाई तहकीकात में पुलिस कुछ बता पा रही है कि शुबा किस पर जाहिर किया जा रहा है, कौन थे ये फायरिंग करने वाले, सियासी थे, नामालूम अफराद थे, कौन लोग थे? जी देखिए, इब्तदाई तौर पे जो चीजें सामने, उसमें सबसे अहम बात तो ये थी कि जो लोग जख्मी हुए उनका ताल्लुक, उसमें बाप और बेटा जो जख्मी हुए उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं था। ये जो तहकीकात अभी की जा रही है, इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन इसके बाद जब डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद की मीडिया से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि चंद पसंद अनासिर ने पीपी कारकुन पर हमला किया है, एक मासूम बच्चे की हालत खराब है, निगरा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह के वाकियात को देखे। और उसके बाद उनका ये भी कहना था कि ये हमारे लोग हैं जो जख्मी हुए, और जो शर पसंद अनासिर हैं उनके बारे में तस्दीक ना कर पाए, लेकिन उनका कहना यह था कि पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट इस बात का फैसला कर लेगी। लेकिन दूसरी जानिब जराए का ये भी कहना है कि ये पहले झगड़ा शुरू हुआ वहां पर झंडे लगाने पर, और जिन लोगों ने रोका वो गैर सियासी थे, लेकिन ये मुतजाद बयान सामने आए। लेकिन जब SSP मलीर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पुलिस के पास तहकीकात के जराए हैं, तो पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट आई, तो उनका कहना यह था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उन लोगों को पकड़ सके जिन लोगों ने फायरिंग की है। अच्छा, जिस जगह पर साहब, जिस जगह पर ये वाकया हुआ है, वहां कोई CCTV कैमरे मौजूद थे कि पता चल सके कि कौन मुलजिमान थे इसके पीछे, कोई मोटरसाइकिल सवार थे? जी देखिए, गुलशन बुनैर इतना डेवलप्ड एरिया नहीं है, लेकिन मलीर का एक ऐसा एरिया जहां पर जाहिर सी बात है कि वोटर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। CCTV कैमरा की मदद ली जा रही है, क्योंकि जिस जगह ये हुआ वहां जाहिर सी बात है कि मोबाइल कैमरा से भी फुटेज बन रही होगी। जब निकले हैं तो वो एक रश का आलम होता है उसकी, लेकिन अभी बहुत पहले होगा ये कहना कि किसने की, क्यों की, क्योंकि तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट जब तक पुलिस फाइनल कर लेती, तो इब्तदाई तौर पर तो जो चार लोग जख्मी हुए उनके जख्मी होने को शर पसंद अनासिर की तरफ से फायरिंग का कहा गया। यही बयानिया है मलीर पुलिस पर, SSP मलीर का, और यही बयानिया रहा पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का, जिसमें आगा रफीउल्लाह जो वहां पे सबका MNA भी है और अब भी वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ डिप्टी मेयर का भी यही जो बयानिया हमने देखा
कि उन्होंने शरपसंद अनासिर की तरफ से इसके ऊपर फायरिंग को शरपसंद अनासिर की साजिश करार दिया। बहुत शुक्रिया असद जैदी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, बात यह है कि पुलिस की जानिब से ये बयान सामने आया है कि इस तरह जो भी लोग थे उनके खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। ऐसा इलाका था जहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस नहीं मौजूद थी। यकीनी तौर पे जब इस तरह कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है आवाम की मौजूद होती है, और इस तरह फायरिंग यकीनी तौर पे जब होती है तो एक हबड़ दबड़ मच जाती है और लोग भागते हैं, उसमें भी लोग ज़ख्मी होते हैं। बताया जा रहा है कि 4 लोग ज़ख्मी, उसमें बच्चा भी समेत जो है वो मौजूद हैं उस वक्त अस्पताल में, उनको जो है वो तिब्बी इमदाद जो है वो दे रहे हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर नाज़रीन ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं आगा रफ़ीउल्ला साहब और साबिक रुकने असेंबली भी हैं। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। पहले तो मैं अफसोस का इजहार करूंगा यकीनी तौर पे पूरी टीम की जानिब से, सियासी मामलात हैं, कॉर्नर मीटिंग चल रही है, इस तरह हमला करना बिल्कुल भी ठीक दुरुस्त तरीका नहीं है। थोड़ा सा ये बताइएगा आगा साहब कि ये मामला जो है वो किसी सियासी जमात की तरफ से आपको लग रहा है या कुछ और कुव्वतें हैं, और असल मामला क्या हुआ, एक्चुअल नाज़रीन तक चीज़ें पहुँचाएँ। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी अली रजा भाई आपका और आपके चैनल का। अली रजा भाई, ये मैं एक स्टार कॉम्प्लेक्स से शेरपा कॉलोनी में, उसके पीछे प्रोग्राम था, वहाँ से कुछ लोगों से मिल मिला के फिर कुछ जो ड्राइंग रूम और मुख्तलिफ उजरों में जाके मुलाकातें करने के बाद गुलशन बुनीर में ये प्रोग्राम था, ठीक है, और असर की नमाज के बाद था, तो बड़ा शॉर्ट टाइम था। मैंने वो अपने साथियों को कहा कि थोड़ा सा शॉर्ट करें, स्पीड करें, ताकि हम मगरिब की नमाज से पहले फारिग हो जाएं। तिलावत शुरू हुई, तिलावत के फौरन बाद वो फायरिंग शुरू हो गई। और अच्छा आगा साहब, ये फायरिंग हवाई फायरिंग थी या स्ट्रेट फायर किए गए लोगों पर? मैंने देखे, क्योंकि होते हुए नहीं देखे, लेकिन स्ट्रेट इसलिए थे कि लोग जख्मी हुए ना। अच्छा, जो लोग जख्मी हुए वो भगदड़ से हुए हैं या उनको गोली लगी है? नहीं नहीं, गोलियों से जख्मी हुए हैं, बुलेट इंजेक्ट हैं, फायरिंग से जख्मी हुए 4 लोग। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मैंने जब देखा स्टेज के पीछे एक शख्स को उठाए हुए गोद में खून निकल रहा था, तो मैंने बोला कि इसको एम्बुलेंस तक पहुंचाओ, एम्बुलेंस मंगाओ। इतने में मैं स्टेज से नीचे उतरा तो बाप बेटा है मीर रसूल और बच्चे का इतना अच्छा नाम था शेरोज, वो आए, बोला जी हमें भी गोली लगी है। वो मैंने देखा तो वो बाप के उसके हाथ पे गोली लगी थी, बच्चा 11-12 साल का है, उसके पेट में गोली लगी हुई थी और वो खड़ा था। मैंने उसको फौरन साथ उसको मैंने बोला इसको गोद में उठाओ। हमने गाड़ी में उनको लेके जिना अस्पताल आए, वहाँ ट्रीटमेंट करवाया उनका, और बाकी जो पीछे 2 लोग और जख्मी आए थे, एक तो वो जो मैंने देखा था, एक पीछे और है, 4 लोगों को बुलेट्स लगी थी, जिसमें से ये बच्चा जो है ये अभी सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट है, बाकियों को डिस्चार्ज कर दिया। आगा साहब, ये बता सकते हैं कि कितनी गोलियां चली होंगी एक अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि जिस तरह बता रहे हो तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं, अटैक है ये पूरा? 7-8 या 10 के करीब जो है ना वो गोलियां चली हैं, और ये जो जिनको लगी है ये 4-6 गोलियां जो है ना वो लगी है, क्योंकि बच्चे के पेट से एक लग के गुजरी है और एक अंदर गई है पेट में, और एक उस के वालिद के हाथ में लगी है और 2 बंदों को पाँव में लगी है, तो इसलिए 4 से 5 गोलियां तो लोगों को लगी है ना। थोड़ा आगा साहब ये भी हम जानना चाहेंगे, कोई थ्रेड इससे पहले मिला हो, कोई धमकियां, कोई और मामला, कोई दुश्मनी यहाँ कोई पर? इसी इलाके में मैंने एक कब्रिस्तान बनाया था जिसका मुख्तलिफ लैंड ग्रेबर्स का हमें धमकियाँ मिलती रही हैं, और उन्होंने हमारे एक साथी हैदर खान को कत्ल भी किया था इसी चक्कर में। तो ये कितनी पुरानी बात बता रहे हैं आप? जी ये कितनी पुरानी बात बता रहे हैं आप? ये 1.5 साल पुरानी बात, 1.5 साल पुरानी बात, ओके। इसी एरिया में वो कब्रिस्तान हमने बनाया, तो उसमें हैदर शहीद स्वाति का कब्र फिर उसी कब्रिस्तान में बना, तो ये भी एक वाकया है। और अदरवाइज ये क्या कहते हैं गुलशन बुनीर वैसे ही थोड़ा सा सेंसिटिव रहता है, हकायक अब क्या है ये तो सिक्योरिटी इदारे इंशाल्लाह बताएंगे, लेकिन ये है कि लोग जख्मी हुए थे और मैं स्टेज में बैठा था, मैंने खुद फायरिंग की आवाज़ सुनी, जो कि फिर लोग मेरी तरफ भागे हुए हैं कि जी आप जाएं यहाँ से। मैंने बोला मैं किधर जाऊँगा, यही मेरा मोहल्ला इलाका है, उनको लेके अस्पताल गया,
तो आप, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ, बस अल्लाह करे ये बच्चे की भी अल्लाह करे कल खैरियत से अच्छी रिपोर्ट आए। नहीं नहीं आगा रफ़ीउल्लाह साहब, ये इंतहाई ख़तरनाक बात है कि इलेक्शन का सिलसिला जारी है, इंतखाबी मुहिम और कॉर्नर मीटिंग चल रही हैं, इस तरह अगर उम्मीदवार हों, इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले लोग हों, वर्कर्स हों, पॉलिटिकल वर्कर्स हों, इस तरह गोलियां चलेंगी तो एक बहुत बड़ा सवाल भी इटसेल्फ उठता है। और आपकी यकीनी तौर पे पुलिस अफसरान से भी बात हुई होगी, तो उनका क्या मौकफ है, मुकदमे का इंदराज हो चुका है और जी, क्या कह रहे हैं? मुकदमे का इंदराज हो चुका है और मुझे जो है क्या नाम है आपका, अल्लाह भला करे, उसी टाइम देखें मैंने 1.5 एंट्री की थी, उसी टाइम मेरे पास जैसे मैंने इनको गाड़ियों में बैठाया वहां सामने से मोबाइलें आ गई थी। और मैं एक प्रोग्राम इससे पहले जहां पर मैंने आपको कहा ना स्टार कॉम्प्लेक्स, वहां पुलिस भी मौजूद थी इस प्रोग्राम से पहले, इस वाले प्रोग्राम से पहले, वहां वो मेरा प्रोग्राम खत्म हुआ तो उनका ये ख्याल था कि चलो इसका यहाँ प्रोग्राम खत्म हो गया तो पुलिस निकल गई अपने, मैं क्योंकि गलियों में घूमता घुमाता मोटरसाइकिल पे और उसमें दूसरे प्रोग्राम में चला गया। अगर अफिलोज साहब ये जान सकते हैं कि इस कॉर्नर मीटिंग के दौरान कितने लोग थे जब फायरिंग हुई? कोई 100-150 के करीब लोग होंगे। 100-150 से, तो ये जो फायरिंग का मामला है ये तो परवरदिगार ने रहम किया, वरना इसमें तो बड़ी कैजुअलिटीज जो है वो सामने आ सकती थी, लोग मर सकते थे। बहुत रहम करम किया, बहुत रहम। 150 और उनके ऊपर अंधाधुन फायरिंगें हो रही हैं, तो आप नहीं समझते वहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से कंसर्न्स शो किए गए हैं आपकी जानिब से कि ये तो एक कौन कौन लोग हैं ऐसे जो इस तरह पब्लिक पे अंधाधुन फायरिंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स पे कर रहे हैं? मुझे इंशाल्लाह तसल्ली दी गई है कि इंशाल्लाह हम आपको पूरी इंक्वायरी करके देंगे, जब तक किसी नतीजे पे पहुंचे नहीं तो बात कर नहीं सकते। लेकिन इसी इलाके में कोई 4-5 साल पहले एक DSP साहब पर भी ब्लास्ट हुआ था जिसमें वो शहीद हुए थे। बाकी ये जो क्या नाम है एरिया है, इस दिन भी यहाँ पर कोई 8-10 लोगों के और भी प्रोग्राम हो रहे थे, तो सिक्योरिटी के हवाले से मैंने आपसे कहा कि इससे पहले जो मेरा प्रोग्राम था वहाँ पर सिक्योरिटी और पुलिस खड़ी थी। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद रखते हैं कि ये वाकयात आगे नहीं होंगे और इलेक्शन खैर खैरियत से आफियत से 8 फरवरी तक अल्लाह पाक रहम करे पूरे पाकिस्तान में कोई नाखुशगवार वाकया ना हो और सुकून से इलेक्शन हो। अगर अफिलोज साहब हम भी दुआगो हैं कि सूरत हाल जो है वो बेहतर रहे, इलेक्शन के अंदर जानी नुकसान ना हो, और हम भी ये दुआगो हैं और साथ साथ लोग भी यही चाहते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखी जाए और रहे। मगर बात यह है कि आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि अक्सर हम ये देखते हैं कि सियासी मुखालिफीन की जानिब से भी फायरिंग हो जाती है, और आप जिस तरह बता रहे हैं कि लैंड के मामला भी हो सकते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें ज़्यादा क्या बात किसके चवाइद नजर आ रहे हैं या शुबा है आपको कि ये पॉलिटिकल वर्कर्स मुखालिफीन की जानिब से होंगे या लैंड ग्रैबर्स या इस तरह के? मुझे पॉलिटिकल इसलिए नहीं लगते कि यहाँ पर हमारे पास जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं वो सारे हम एक इलाके में, चूंकि मैं इसी इलाके का बड़ा बचपन मेरा यहीं गुजरा है, इसी इलाके का रिहायशी हूँ, तो हम सब एक दूसरे को बहुत बखूबी जानते हैं और ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती कि इंशाल्लाह के मैं, मुझे लगता है कि ये जब सही मानों में तहकीक होगी तो ये चूंकि थोड़ा सा ट्राइबल के लोग बहुत ज़्यादा आबाद हैं, तो कोई ऐसा पागल हो जिसका कोई किसी किस्म का दिमाग ख़राब हो, तो अदरवाइज मुझे पॉलिटिकल लोगों से ये उम्मीद नहीं है। यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं इंतहाई पोलाइट और बेहतरीन लोग हैं। बहुत शुक्रिया आगा रफ़ीउल्लाह साहब अपना मौकफ़ पेश करने के लिए। आगा रफ़ीउल्लाह साहब के साथ और बिलखसूस जो लोग थे 150 के करीब बताए जा रहे थे, उन पर हमला हुआ, फायरिंग अंधाधुंध फायरिंगें हुई हैं और गोलियां चलाई गई हैं। और बात यह है नाजरीन के इस तरह की कॉर्नर मीटिंग में इतनी आजादाना तौर पर इस तरह के वाकयात होना यकीनी तौर पर सवालिया निशान है, क्योंकि अभी जिस जिस तरह टाइम जो है वो बढ़ेगा तो ये कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला शुरू हो रहा है, और कोई इस तरह का वाकया जिसके अंदर गोलियां चल जाए, 150 के लोग 150 के करीब लोग मौजूद थे और बताया गया कि 4 के करीब लोग अब तक जख्मी हो चुके हैं। तहम हम बात कर रहे थे आगा रफ़ीउल्लाह साहब से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है जो बता रहे थे कि सियासी मुखालिफीन के बजाय मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे शरपसंद अनासर इसके अंदर मुलव्विस हो सकते हैं जो कि मुख्तलिफ जराइम का हिस्सा रहे हैं। नाज़रीन वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, कुछ अहम स्टोरी है एक, उसके ऊपर बात करते हैं।